आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मी ओंकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मार्च अप्रैल में बनेगी बीजेपी शिवसेना की नई सरकार। नए कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई बैठक। राज्य के सामने संकट फटने पर होगी आयात बैठक। कर्नाटक समेत दक्षिण भारत में फिर बारिश का खतरा। अधिवेशन में आनंदवाड़ी वासियों का मुद्दा उठाएंगे विधायक का आश्वासन। पुराने धरवाड़ मार्ग पर भारी वाहनों से खतरा। रंगोली के सप्त रंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्ता पूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभे राहणारे नाव म्हणजेच अणवेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अणवेकर गोल्ड, अणवेकर गोल्ड, 888-43-888-63। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार ज्यादा देर नहीं चलेगी। 2.5 साल बाद शिवसेना और बीजेपी फिर साथ आएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि मार्च या अप्रैल में राज्य में सरकार बदल जाएगी। वो सांगले में पत्रकारों से बात कर रहे थे। आठवले ने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे द्वारा किए गए परिवर्तन के बयान को दोहराया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आज सांगली जिले के दौरे पर है। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य के राजनीतिक विकास के साथ साथ दिल्ली में किसान आंदोलन पर टिप्पणी की। नारायण राणे ने भविष्यवाणी की है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार मार्च 2022 में चली जाएगी। इस बारे में पूछे जाने पर रामदास आठवले ने जवाब दिया, नारायण राणे का कथन सही है। राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। 2.5 साल बाद राज्य सरकार जाएगी, उसके बाद भाजपा और शिवसेना एक साथ आएंगे और नई सरकार बनाएंगे। केंद्र ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और अब किसानों को अपना आंदोलन वापस लेने की जरूरत है। रामदास आठवले ने चेतावनी दी है कि अगर आंदोलन वापस नहीं लिया गया तो किसान नेता राकेश टिकैत और अन्य आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कल दिल्ली में कोरोना के नए संकट से निपटने के लिए मंत्रियों की अहम बैठक होगी। नए कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई बैठक। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का एक नया संकट उभरा है और ये ज्ञात है कि ये वायरस संक्रमित लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रवेश कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के बाद कुछ देशों में नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं। भारत में रोजाना कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आई है। सभी लेनदेन सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी फिर से शुरू हो गई है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में संबंधित केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार के अधिकारी और चयनित डॉक्टर शामिल होंगे। देश में मौजूदा कोरोना स्थिति, नए कोरोना वायरस के संभावित जोखिम और किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की जाएगी। इसलिए इस बैठक के बाद ये देखना होगा कि क्या कोरोना वायरस के नए वायरस से निपटने के लिए कुछ नए निर्देश नियम दिए जाते हैं या नहीं। राज्य के सामने संकट बढ़ने पर होगी आपात बैठक। राज्य में बढ़ते कोरोना की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार एक बार फिर सतर्क हो गई है।
नियंत्रण के लिए व्यापक उपाय करने के लिए सरकार द्वारा फिर से कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये जानकारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कोरोना की संख्या कम हो रही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी खबरें आ रही है कि कोरोना की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए अत्यधिक सतर्कता एक आवश्यकता बन गई है। हाल ही में घटना में धारवाड़ के एसटीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। गुरुवार रात और छात्रों के स्वैप किए जाने के बाद कोरोना संक्रमित छात्रों की संख्या बढ़कर 182 हो गई है। इसके बाद से राज्य के अन्य शहरों में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में कहा कि बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में फिर से कोरोना वायरस फैल रहा है। स्कूल कॉलेज और धारवाड़ एसटीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना के मामले सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नए वायरस से उत्पन्न खतरे के मद्देनज़र शनिवार को शाम 4 बजे 7 जिलों के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक होगी। कर्नाटक समेत दक्षिण भारत में फिर बारिश का खतरा। पिछले एक सप्ताह से राज्य में हुई बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन मानसून का मौसम अभी नहीं बदला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कर्नाटक समेत पूरे दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए किसानों को भारी नुकसान का खतरा है। पूर्वोत्तर मानसून वर्तमान में दक्षिण भारत में सक्रिय है, इसलिए अगले एक सप्ताह तक दक्षिण भारत में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अभी अगले 4 हफ्तों के लिए अपना पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान के मुताबिक कर्नाटक समेत दक्षिण भारत में कम से कम अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश की संभावना है। उसके बाद देश में पूर्वोत्तर मानसून के कम होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान से अब किसानों में चिंता बढ़ने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, इसका असर किसानों पर पड़ रहा है। राज्य में बादल छाए रहने से भी कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। नतीजतः राज्य के किसान आसन्न संकट से चिंतित है। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। अधिवेशन में आनंदवाड़ी वासियों का मुद्दा उठाएंगे, विधायक का आश्वासन। आनंदवाड़ी के निवासियों के आवास पर वक्फ बोर्ड का कब्जा लेने का निर्णय गलत है। इसके अलावा वर्तमान में बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल की पहल के चलते यह फैसला टाल दिया गया है। आनंदवाड़ी के निवासियों ने अभय पाटिल के मार्गदर्शन में लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। साथ ही इस मुद्दे पर आगामी सत्र में चर्चा के लिए चैरिटी मंत्री शशिकला जोल्ले से भी चर्चा की गई है। 2 दिन पहले जब वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने आनंदवाड़ी में जमीन को जब्त करने की कोशिश की तो जगह पर भारी पुलिस बल मौजूद था। निवासियों को कोई अग्रिम नोटिस देने से पहले खाली करने के लिए भी कहा गया था। इसका यहाँ के निवासियों ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन इस मुद्दे को अभी भी एक अदालती लड़ाई द्वारा स्थायी रूप से निपटने की जरूरत है। इसके लिए यहाँ के निवासियों ने उस दिशा में कदम उठाया है। साथ ही आवश्यक न्यायालयीन लड़ाई के लिए इन रहवासियों को आना पड़ता है। अभय पाटिल ने उनके अत्यधिक सहयोग की गवाही दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस क्षेत्र के अन्य पार्षदों के साथ रहेंगे, इसलिए आनंदवाड़ी के नागरिक अभय पाटिल और नगर सेवकों ने वर्ग को धन्यवाद दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शशिकांत रणदिवे, पवन ढोंगड़ी, प्रताप श्रेयकर, बलिराम कटांबळे, प्रभाकर पाटिल, हेमंत मुचंडी, नारायण पाटिल, किशोर श्रेयकर, शिवाजी मुचंडी, सरफराज इनामदार, इरशाद कुरेशी सहित अन्य नागरिक मौजूद थे। पुराने धारवाड़ मार्ग पर भारी वाहनों से खतरा। शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले पुराना धारवाड़ BS येडियुरप्पा मार्ग इस समय भारी वाहनों के खतरे में है। यहाँ खड़े भारी वाहन दुपहिया सहित अन्य छोटे वाहनों के लिए खतरा बने हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है और कंट्रोल सिस्टम को बेहतर करने की मांग कर रही है। नागरिकों की शिकायत है कि यहाँ भारी वाहनों को मोड़ते समय हादसों की संख्या बढ़ गई है। शनिवार सुबह ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसने ये भी मांग की कि इस यातायात को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं, जो नागरिकों के जीवन के लिए खतरनाक है। नागरिकों से बहस के बाद वाहनों को हटाया गया। इस मार्ग पर सुबह सुबह बड़ी संख्या में मेहनतकश वर्ग का आना जाना लगा रहता है। दुपहिया और रिक्शा की संख्या भी अधिक है। ऐसे भारी वाहन अलारवाड़ क्रॉस और पुराने बेलगाम के बीच एक उपद्रव है। आरोप है कि इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को देने के बाद भी यहाँ पर दुर्लक्ष हुआ है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom.
पोटदार ब्रदर्स, पोटदार सन्स एंड ग्रैंडसन्स, खड़े बाजार बेलगांव, कॉलेज ऑन 0831-240-5550 और 51 और 52 और 53। विजिट अस एट www.poddarjewelers.com। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243-5777। फिर से आपका स्वागत। निपाणी में भारतीय संविधान दिवस मनाया गया, रयत संगठन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस वक्त रयत संगठन के चिक्कोड़ी जिलाध्यक्ष राजू पवार ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी भारतीयों को न्याय, समानता, प्रेम और भाईचारा देकर अन्याय के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार दिया है। आगे बोलते हुए राजू पवार ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ पारित 3 काले कानूनों को लोकसभा और राज्यसभा में निरस्त नहीं किया जाता, तब तक जन आंदोलन जारी रहेगा और जन आंदोलन को रयत किसान संघ का पूरा समर्थन प्राप्त है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी तालुका अध्यक्ष सुधाकर माने, महेश धर्मरक्षित, प्रोफेसर आयन बेग, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण सुताले, सरजीराव हेगड़े और अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए। बेलगाम विधान परिषद चुनाव में 6 उम्मीदवार मैदान में। बेलगाम विधान परिषद जिले की 2 सीटों से उम्मीदवारी वापस लेने का शुक्रवार को आखिरी दिन था। शुक्रवार को दोनों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इससे 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। अंतिम दिन संगमेश चिकनगुंड और अशोक हंजी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। दोनों ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया था। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी लखन जारकीहोली के पीछे नहीं हटने से साफ हो गया है कि चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवारी दाखिल करने वाले जगदीश कवड़गी मठ ने गुरुवार को अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। शुक्रवार को जैसे ही 2 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, अब जिले की 2 सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित 6 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि असली मुकाबला भाजपा के महांतेश कवड़गी मठ, कांग्रेस के चनाराज हट्टीहोली और निर्दलीय उम्मीदवार लखन जारकीहोली के बीच होगा। इसके चलते जिले में हो रहे त्रिकोणीय संघर्ष पर राज्य की नज़र है। नियति फाउंडेशन की जरूरतमंद छात्रों को मदद। वैष्णवी बसुरतेकर वसंतराव पोद्दार तंत्र निकेतन कॉलेज की अंतिम वर्ष की एक छात्रा है। उसके माता पिता वर्तमान में ट्यूशन फीस के लिए उसका जुगाड़ नहीं कर सकते। माता पिता दोनों सब्जी बेचकर जीवन यापन करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर इस छात्र की मदद के लिए नियति फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बेलगाम के सभी लोगों से इस जरूरतमंद छात्र को ट्यूशन फीस के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी अपील की। नियति फाउंडेशन की ओर से इस होशियार छात्रा को एक लैपटॉप दिया गया जो उसके काम आएगा। इस कार्यक्रम में वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध कर सलाहकार संदीप खन्नूकर और बेलगाम के जाने माने बॉडी बिल्डर शामिल थे। निपाणी में भीम गर्जना युवा मंडल द्वारा मनाया गया संविधान दिवस। अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया समूह के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अविनाश कट्टी ने कहा कि भारत के संविधान में जमीनी स्तर पर लोगों से न्याय, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की मांग करने की शक्ति है। वे भीम गर्जना युवा मंडल नगर निपाणी द्वारा आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम के अवसर पर अध्यक्ष पद की ओर से बोल रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में संतोष मिस्त्री ने स्वागत और परिचयात्मक टिप्पणी की। तत्पश्चात उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के हाथों में दीप जलाकर संविधान की पूजा की गई। उस समय इस कार्यक्रम में सरजीराव हेगड़े, पिंटू शेंदुरे, शशिकांत कामले, बालू कामले, साहिल कामले, अरुण कामले, प्रभाकर कामले, सुमित कामले सहित युवा मित्र महिलाएं मौजूद थी। विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार है करोड़पति। विधान परिषद के लिए 10 उम्मीदवारों में से 4 ने नाम वापस ले लिया है, जबकि 6 प्रमुख उम्मीदवारों में से शेष 3 महंतेश कवड़गी मठ, चन्नाराज हट्टीहोली और लखन जारकीहोली की ओर से जमा कराए गए हलफनामों से साफ हो गया है कि वे अरबपति है। 46 करोड़ रुपए के मालिक लखन जारकीहोली सबसे अमीर है। कवड़गी मठ की पत्नी की संपत्ति उससे कहीं अधिक है।
महंतेश कवड़गी मठ के पास 2,31,00,000 रुपए की चल संपत्ति और 3.49 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी राजेश्वरी के पास 3.90 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 6.56 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा कि उन पर 4.60 करोड़ रुपए का कर्ज है। कांग्रेस के चनाराज हट्टीहोली के पास 31.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके पास 20.66 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 10.84 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। विपक्षी उम्मीदवार लखन जारकीहोली के पास 12.84 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 33.30 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी संध्या के पास 1.45 करोड़ चल और 1.93 करोड़ रुपए अचल संपत्ति है। उन पर 1.48 करोड़ रुपए का निजी कर्ज और पत्नी के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए का कर्ज है। उनके पास 14.95 लाख नकद और 5 किलो सोना है। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 20% की कटौती। कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस साल फिर से स्कूल देर से शुरू हुए, इसलिए शिक्षा विभाग ने 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 20% की कटौती करने का फैसला किया है। इसलिए इस वर्ष के प्रश्न पत्र में 80% पाठ्यक्रम पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हर शैक्षणिक वर्ष में 240 से अधिक शिक्षण दिवस होते हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से सिर्फ 140 दिन के अध्यापन उपलब्ध है। कम समय में ज़्यादा कोर्स करना मुश्किल है, इसलिए पाठ्यक्रम को कम करने का एक विकल्प है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को कम करने की घोषणा करते हुए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने किया। शिक्षकों के लिए चुनौती कम समय में कोर्स पूरा करना है, इसलिए छात्रों के अतिरिक्त क्लास लगाकर कोर्स पूरा करने की होड़ मची थी। इसलिए छात्रों और अभिभावकों ने पाठ्यक्रम में कटौती की मांग की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में फैसला लिया है। मराठा मंडल सेंट्रल हाईस्कूल में आयोजित छात्रों का अभिभावकों के साथ संवाद कार्यक्रम। 8वीं कक्षा के छात्रों का अभिभावकों के साथ संवाद कार्यक्रम मराठा मंडल सेंट्रल हाईस्कूल चवाड़ गली में आयोजित किया गया था। प्रधान अध्यापक श्री वी ए हसबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में हाईस्कूल के पूर्व छात्र प्रसाद मोरे मुख्य अतिथि थे। मंच पर माँ पालक ज्योति लाड और पिता पालक मराठी मॉडल स्कूल अगस्का स्कूल के शिक्षक कलोजीराव पाटिल उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में 26 नवंबर को भारतीय संविधान में बताए गए भारतीय संविधान दिवस को सही ठहराते हुए शपथ ली गई। भारतीय संविधान का महत्व एनडी पाटिल ने बताया। इसके बाद मंच पर दर्शकों द्वारा सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलित किया गया। छात्रों ने ईशा स्तवन और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्रधान अध्यापक वी ए हसबे ने अध्यक्ष पद का समापन किया। कार्यक्रम परिचयात्मक था और श्रीमती आशा पवार ने स्वागत किया। अतिथियों का परिचय स्कूल के सह शिक्षक पीबी मास्तेहुली ने किया। कार्यक्रम का संचालन रेशमा राक्षे ने किया। विद्यालय के खेल शिक्षक श्री आरटी हैबत्ती ने सभी का धन्यवाद किया और कार्यक्रम का समापन किया। उद्यम बाग जैन कॉलेज में टेबल टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ। VTU द्वारा आयोजित एक टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च उद्यम बाग में किया गया। मुख्य अतिथि खेल शिक्षा निर्देशक डॉक्टर ए जी बुजुर्गे थे। स्वागत जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के प्राचार्य डॉक्टर एस वी गोरबल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर जे शिवकुमार थे। जैन कॉलेज के खेल शिक्षा निर्देशक विपुल चौगुले ने आभार व्यक्त किया। इस प्रतियोगिता में 9 पुरुष टीमों और 4 महिला टीमों ने भाग लिया है। जिमखाना निर्देशक के रूप में संजय मोरे सुधाकर पाटनकर का चयन। यूनियन जिमखाना की 85वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार को कैंप में हो गई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन जिमखाना के अध्यक्ष चंद्रकांत बांडगी ने की। मंच पर सचिव प्रसन्ना सुंथनकर, निर्देशक सुहास कुलकर्णी, सुधाकर पाटनकर और संजय मोरे मौजूद थे। प्रारंभ में चंद्रकांत बांडगी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका उपस्थित सदस्यों ने अनुमोदन किया। प्रारंभ में दिवंगत सदस्य तुकाराम हवल और बीजी कुलकर्णी को श्रद्धांजलि दी गई। निर्देशक विठल गवस के स्थान पर संजय मोरे और मर्कंटाइल सोसाइटी के अध्यक्ष सुदन पाटनकर निर्विरोध चुने गए। इस मौके पर राष्ट्रपति चंद्रकांत बांडगी ने संजय मोरे और सुधाकर पाटनकर का फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।